शिक्षा परंपरा नहीं है, शिक्षा परंपरा है, इसलिए हमने अलग अलग परिवारों के जो संत महापुरुष हैं उनको अपने यहाँ ऑर्डर में रखा हुआ है। आप ये कह रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथदास बाबा जी और कौशिकदास बाबा जी ये आपकी परंपरा है, आपकी ये परंपरा है। आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि त्रिकाल में ये संभव नहीं है। त्रिकाल होता है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इसको त्रिकाल कहते हैं। त्रिकाल में ये संभव नहीं है कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और जगन्नाथदास बाबा जी महाराज एक परंपरा में हो जाए, ये त्रिकाल में संभव नहीं है। प्रश्न उठता है क्यों? देखो आप हमारा तिलक देख रहे हो लगा हुआ, इस कैसे है नीचे ऐसे पता है चोंच सा बना सा लग रहा है। अद्वैताचार्य का जो तिलक होता है आप फोटो दिखाइएगा, रघुनाथ दास स्वामी जो है वो अद्वैताचार्य अद्वैत परंपरा में है तो उनका तिलक ऐसे गोल सा होता है। परंपरा का मतलब होता है, पहले तो ये समझो परंपरा में ऐसा नहीं है कि ये परंपरा में हमने किसी को बना दिया। परंपरा में या तो कोई है या तो कोई नहीं है। अद्वैत पर जो अद्वैताचार्य हैं उन्होंने किन्हीं को दीक्षा दी? अच्छा समझो परंपरा क्या होती है, जैसे अद्वैताचार्य उन्होंने किन्हीं को दीक्षा दी? मान लो 10 लोगों को दी, उन्होंने 10 लोगों ने अलग अलग उनमें 4 लोगों ने दीक्षा दी, किसी ने 1000 को दी, किसी के 500, किसी का 1000, उन्होंने से फिर दीक्षा दी। तो ये अद्वैताचार्य की परंपरा आज तक आ रही है, इसमें नित्य में परिवार वाला कोई भी नहीं परंपरा में जुड़ सकता, ठीक है। उनके सबके तिलक वही है अद्वैताचार्य वाला जो रघुनाथ दास स्वामी में लगा हुआ है और जो गौर किशोरदास बाबा जी लगाते हैं वही गोल तिलक है। गौर किशोरदास बाबा जी अद्वैत परंपरा में है, अद्वैत परिवार में, उनकी परंपरा जो है वो अद्वैत परिवार से आती है। जो हमारा जो तिलक ये वाला है लगाते वो भी काला तिलक ही है। जो हमारा तिलक है ये नित्यानंद परिवार का है। नित्यानंद प्रभु मान लीजिए नित्यानंद परिवार प्रभु ने 100 लोगों को दीक्षा दी, फिर उन्होंने उनमें से मान लीजिए 10 लोगों ने दीक्षा दी, उन्होंने किसी ने 1000 को, किसी ने 200 को, किसी ने 100 को, 500 को, फिर ऐसे नित्यानंद प्रभु से अलग अलग नित्यानंद परिवार से अलग अलग परंपराएं आ गई। कोई कहां से कोई कहां से, जैसे मान लो नित्यानंद प्रभु ने कई को दीक्षा दी, एक का नाम है बलराम दास, एक का नाम है श्याम दास। फिर जो बलराम दास की परंपरा में आ रहे हैं और जो श्याम दास की परंपरा में आ रहे हैं वो दोनों अलग हो जाते हैं। परिवार नित्यानंद ही रहेगा। उसी प्रकार से जो नित्यानंद प्रभु का परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर भी है और जगन्नाथ दास बाबा जी, पर वो अलग अलग परंपरा आ जाती है। परिवार नित्यानंद है, चैनल को परंपरा बोलते हैं। परिवार नित्यानंद है, वैसे ही गौर किशोरदास बाबा जी का परिवार अद्वैत है। तो अद्वैत पहली बात तो है, जब जगन्नाथदास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर जो दोनों नित्यानंद परिवार के हैं, जब वही एक परंपरा में नहीं हो सकते नित्यानंद परिवार के होने के बावजूद, तो जो बिल्कुल ही अलग परिवार के हैं अद्वैताचार्य वो एक परंपरा में कैसे हो जाएंगे? जब नित्यानंद में सेवा होती है ना तो नित्यानंद परिवार के लोग अलग रहते हैं, उनका रहने का स्थान भी अलग है। ध्यान दो, आप गौड़िया वैष्णव हो, आप सिद्धि चाहते हो, हम आपको बताते हैं सिद्धि में क्या होता है। जब सिद्ध होते हो तो आप नित्य नगरी में प्रवेश करते हो, कहीं रहते भी होंगे। हाँ, आप रहते हो जहां जिस परिवार में आपकी दीक्षा हुई है, मान लो आप अद्वैत परिवार में दीक्षा हुई है तो जो अद्वैताचार्य के आसपास घर बने हुए हैं, अद्वैताचार्य जी के घर के आसपास, तो आपका रहने का स्थान वहां है। सुबह सोते भी वहीं हो, उठते भी वहीं हो, कुल्ला भी वहीं करते हो। अब भक्ति विनोद ठाकुर हैं या जगन्नाथ दास बाबा जी हैं, वो बिल्कुल अलग स्थान है नित्यानंद प्रभु, वो नित्यानंद प्रभु के स्थान पर रहते हैं। गोल जो होगा अद्वैत प्रभु के साथ, वो सोते भी नित्यानंद प्रभु के पास में है और जगन्नाथ दास बाबा और भक्ति विनोद ठाकुर और कुल्ला करना, सब सेवा करना, वो वहीं से स्टार्ट होता है सब कुछ। तो कभी ही परंपरा में होने का प्रश्न नहीं उठता। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का तिलक एक दूसरे से अलग है। दोनों का नित्य निवास स्थान भी एक दूसरे से अलग है। कारण, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अद्वैत परिवार में हैं
और श्री जगन्नाथ दास बाबा जी त्यानंद परिवार में हैं। तो जब दोनों एक परिवार में है ही नहीं तो एक परंपरा में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। Thank you.